नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एमएस वर्ड 2019 में लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ब्लॉक में कॉलम ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। आपने अक्सर अखबारों में या डिक्शनरी में ज़रूर देखा होगा कि टेक्स्ट दो या दो से अधिक कॉलम में लिखा होता है। आपको भी अगर किसी डॉक्यूमेंट में कॉलम्स की ज़रूरत हो तो वह आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी लिखे टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना हो, या फिर दो या दो से अधिक कॉलम में एक साथ काम करने के लिए कॉलम ब्रेक करना हो, तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉलम का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको टाइप करना है RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करना है, और यहाँ पर आपको जितने भी पैराग्राफ चाहिए उतने पैराग्राफ यहाँ पर टाइप कर दीजिए, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे आपके पास उतने ही पैराग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इन पैराग्राफ को पहले हम जस्टिफाई कर लेते हैं ताकि इसका जो लेफ्ट साइड का जो सिक्वेंस है राइट साइड में भी सेम ऐसा ही हो जाए। तो इसके लिए आपको होम टैब में यहाँ पर पूरे मैटर को सिलेक्ट करना है Ctrl+A से, और उसके बाद यहाँ पर जस्टिफाई का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है या फिर आप Ctrl+J भी प्रेस कर सकते हैं। तो हमने पूरे मैटर को जस्टिफाई में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपको जाना है यहाँ से लेआउट टैब के अंदर। लेआउट टैब में पेज सेटअप ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे कॉलम नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर 5 तरीके के कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ नीचे सबसे पहले आपको बताता हूँ मोर कॉलम्स के बारे में, उसके बाद इन सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले हम चले जाते हैं मोर कॉलम्स के अंदर। मोर कॉलम्स में आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट के अंदर वही 5 कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 1 कॉलम रखना चाहते हैं तो 1 कॉलम, 2 कॉलम रखना चाहते हैं तो 2 कॉलम, 3 कॉलम रखना चाहते हैं तो 3 कॉलम, लेफ्ट साइड से आप चाहते हैं तो लेफ्ट साइड से आपका जो कॉलम होगा वो थोड़ा सा कम होगा और राइट साइड में आपका कॉलम का साइज इंक्रीज होगा, और अगर आप यही चीज़ अपोजिट में चाहते हैं तो राइट साइड में आपका जो कॉलम का साइज़ है वो ज़्यादा होगा और लेफ्ट साइड में आपका कॉलम का साइज़ कम होगा। तो इसमें से जो भी आप रखना चाहें यहाँ पर इजीली आप उसे रख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा नंबर ऑफ कॉलम का एक ऑप्शन। यहाँ पर आप अपने पैराग्राफ को और भी ज़्यादा कॉलम में अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से इसे 3 कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा विड्थ एंड स्पेसिंग का। आप चाहें तो अपने कॉलम्स के विड्थ को और उसके स्पेस को आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन में आप देखेंगे लिखा है इक्वल कॉलम विड्थ, यानी यहाँ पर जो भी कॉलम हमारे सामने दिखाई दे रहा है उसका साइज़ यहाँ पर इक्वल है। अगर इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टिक मार्क को यहाँ से हटाना होगा। स्टिक मार्क को यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास ये तीनों कॉलम्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हम 2 कॉलम्स को ले लेते हैं। 2 कॉलम्स को लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा लाइन बिटवीन का। इस बिटवीन वाले ऑप्शन को अगर आप यहाँ से टिक हटा देते हैं तो आप देखेंगे इसके बीच में एक लाइन आपको दिखाई दे रही थी जो हट गई। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलम के बीच में एक लाइन आनी चाहिए तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर वो लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं कॉलम विड्थ की और स्पेसिंग की। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पर इक्वल कॉलम विड्थ को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके टिक मार्क को यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जो दिखाई दे रहा है उसे हम 3 कर लेते हैं। 3 कॉलम करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर विड्थ और स्पेसिंग दोनों ही रिप्रेजेंट हो रही हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो इसका विड्थ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, और यहाँ से बीच वाले को यानी कि जो सेकेंड नंबर का हमारा जो पैराग्राफ है उसके साइज़ को हमने यहाँ से कम कर लिया, और उसके बाद आप थर्ड नंबर वाले साइज़ को अपने हिसाब से यहाँ से उसे बढ़ा और घटा सकते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही हम विड्थ को यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं आपका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर साथ के साथ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो अपने स्पेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे सामने 2 स्पेस आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ जो है वो 3 है। आप देखेंगे 1, 2, 3 पैराग्राफ हमारे सामने हैं और 2 स्पेसिंग है, यानी कि एक बीच में जहाँ पर ये देखिए लाइन आ रही है और यहाँ एक ये लाइन आ रही है,
दोनों ही स्पेस आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पेस को इंक्रीज़ करना चाहें तो आप देखेंगे यहाँ से आपका स्पेस इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ से अगर आप सेकंड वाले स्पेस को कम करना चाहें तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने पूरे मैटर को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आप देखेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अप्लाई टू, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, और उसके बाद नीचे का आपको दिखाई देगा दिस पॉइंट फॉरवर्ड। फिलहाल मैं आपको वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का यूज़ बताता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में बात करूँगा। यहाँ पर वर्ल्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमने जिस हिसाब से अपने मैटर को सिलेक्ट किया था उसी हिसाब से हमारा जो कॉलम है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से कॉलम के विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट को वापस से रिसेट कर लेते हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोल जेड का यूज़ करेंगे। कंट्रोल जेड का यूज़ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिसेट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि पहले पैराग्राफ को छोड़ करके बाकी का नीचे का जितना भी पैराग्राफ है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ से आप पैराग्राफ को कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद उसके नीचे से जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपका कॉलम में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करके आपको वापस से उसी सेटिंग पर फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जितने भी कॉलम डिवाइड करने हैं उतने नंबर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। उतने नंबर्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ले लेना है दिस पॉइंट फॉरवर्ड का ऑप्शन। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन शो कर जाएगा स्टार्ट न्यू कॉलम का। इसका बेसिकली यही यूज़ है कि जैसे हम इस पर टिक करेंगे तो जो भी हमारा ये मैटर कॉलम में डिवाइड होगा वो एक नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाई देगा, और अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो आपका जो मैटर है वो कॉलम में डिवाइड होगा बट इसी पेज पर ही आपको ये दिखाई देगा। तो पहले मैं दोनों ही आपको ऑप्शन यूज़ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको टिक यहाँ पर नहीं किया हुआ और मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओके। ओके पर जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे हमारा ये कॉलम यहाँ पर डिवाइड हो गया बट ये नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट नहीं हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैटर हमारा नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाए तो उसके लिए हम फिर से एक बार कंट्रोल जेड करके पीछे चले जाते हैं और वापस से उसी सेटिंग पर फिर से क्लिक करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं जितने भी कॉलम में आप अपने डेटा को डिवाइड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको दिस पॉइंट फॉरवर्ड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्टार्ट न्यू कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो गया विद कॉलम एडजस्ट हो करके। तो इस तरीके से इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस से इसको रिसेट कर लेते हैं कंट्रोल जेड करके, हमने पूरे डेटा को वापस से रिसेट कर लिया। रिसेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 1, 2, 3 लेफ्ट और राइट का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डाटा है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 3 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पर डायरेक्टली 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे लेफ्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट का जो आपका कॉलम है वो आपका छोटा होगा और राइट साइड का आपका जो कॉलम होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। इसी तरीके से अगर आप राइट वाले को सिलेक्ट करेंगे तो राइट का जो आपका कॉलम है वो काफ़ी बड़ा होगा, लेफ्ट वाला जो कॉलम है वो थोड़ा सा छोटा होगा। अब इसके बाद मान लीजिए हम इसे वापस से रिसेट कर लेते हैं कंट्रोल जेड करके, मैंने इसको वापस से रिसेट कर लिया। रिसेट करने के बाद मैं पूरा पेज एक बार डिलीट कर देता हूँ, पूरे मैटर को एक बार डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेक्शंस में डिवाइड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 कॉलम को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको अपना कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पर फटाफट डॉक्यूमेंट को टाइप कर लेता हूँ। आप देखेंगे हमने अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो डाटा है वो नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर अपने आप पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा कॉलम फिल करना होगा, यानी पूरा का पूरा आपको टाइप करना होगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी फिलहाल इसको कट कर देता हूँ, और कट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम पर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमें नेक्स्ट कॉलम पर जाने की परमिशन नहीं दे रहा। इसके लिए हमें यहाँ पर पहले पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर टाइप करना होगा, और टाइप करने के बाद ही हम इस पर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर सेक्शन डिवाइड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन, यहाँ पर सेकंड सेक्शन और यहाँ पर थर्ड सेक्शन, और तीनों ही सेक्शन में मैं एक साथ काम करना चाहता हूँ, तो वो काम आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉलम ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉलम ब्रेक यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया सेक्शन फर्स्ट लिखने के बाद, अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट कॉलम पर हमें जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए हम चले जाएंगे यहाँ पर ब्रेक वाले ऑप्शन पर। ब्रेक वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कॉलम। जैसे ही हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये हमें नेक्स्ट कॉलम पर यहाँ पर जंप कर दे रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं सेक्शन टू। सेक्शन टू टाइप करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर ब्रेक का यूज़ करना है। कॉलम ब्रेक को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये थर्ड सेक्शन पर यहाँ पर पहुँचा देगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री टाइप करने के बाद अगर आप सेक्शन वन में कोई काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वन पर जाना होगा, माउस से वहाँ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद एंटर प्रेस करना होगा, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक। उसके बाद अगर आप सेक्शन टू में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेक्शन टू पर जा करके एंटर प्रेस करना होगा। माउस के कर्सर का आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन टू में भी आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया
कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और उसके बाद सेक्शन 3 में काम करने के लिए भी आपको यहाँ पर माउस के कर्सर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको एंटर प्रेस करना होगा और फिर यहाँ पर आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया चड़ौदा। और उसके बाद नीचे की तरफ भी काम करने के लिए आपको सेम प्रोसेस यही अपनाना होगा, यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।